अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने वैक्सीन भी लगा ली होगी और साथ ही जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर्स और हाथ धोना, ये वो सब कुछ चल रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ थोड़ी बहुत आज बातें करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आज वीक स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों के चेहरे पे ज़रा मुस्कुराहट लाई जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी जी सीरियस डिबेट्स तो हमारे चैनल पे चलती ही रहती हैं, आपको मालूम ही है कि ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल चैनल है, लेकिन साथ साथ जो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली जो चीजें मुझे ऐसी लगती हैं कि नहीं होनी चाहिए या गलत हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करती रहती हूँ। और उसी में से एक बड़ा अजीब सा हमारे यहाँ एक चलावा है वैक्सीन का, कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे, वैक्सीन के लिए लोग नहीं उस जगह पे पहुंच रहे, हॉस्पिटल्स में ये जो सेंटर्स बनाए गए हैं मुसलसल अवॉइड कर रहे हैं। मेजोरिटी, सबको नहीं मैं कह रही, लेकिन मेजोरिटी जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो वैक्सीन को अवॉइड कर रही है। कोई ये कहता है कि जी इससे जो है वो मैग्नेट चिपकना शुरू हो जाएगा, कोई कुछ और कोई चिप डाल दी जाएगी। ये तो सारी कहानियां आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन एक साहब की वीडियो अभी देखी और बड़ी हैरत की बात है। वैसे अगर अगर ऐसा है जो ये बता रहे हैं तो वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो वैक्सीन लगवा लें, उससे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि आजकल कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी मैंने वैक्सीन लगाया है। इधर बल्ब खुद ब खुद रोशन नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं इधर हो रहा है ना, ये सारे एसी में या जो भी चीज़ है ना, वो इधर उन लोगों ने इंजेक्ट किया है ना। आप लोग देख सकते हैं इधर नहीं होता है। जी तो आपने देखा, अब इनको, इन साहब को भी यकीन हो गया है कि कुछ ना कुछ तो है जी वैक्सीन के अंदर, कोई ना कोई चिप डाली जा रही है या कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह के, आपको पता है, इस तरह के दिमाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कोई इलाज नहीं है। खैर, हम बात करते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने कई लोगों को अपने जो दोस्त और फेवरेट या उनके एटीएम कार्ड जो कहलाते हैं, जैसे कि जुल्फी बुखारी, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस आए थे, रिंग रोड के ऊपर जो कुछ पैसे खाए गए, उसके बाद प्राइवेट जेट में बिठा कर जी जुल्फी बुखारी साहब को दौड़ा दिया गया है या भगा दिया गया है पाकिस्तान से। और अब वो आराम से दुबई पहुंच गए हैं, कोई पूछने गछने वाला नहीं है। ऐसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं तो करप्शन के खिलाफ काम करूंगा और करप्शन कोई कर नहीं सकता, करप्शन करके कोई भाग नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे एक चीज और अच्छी है कि सोशल मीडिया हो या आम लोग हो, वो अब जो फौजी जनरल्स हैं उनके खिलाफ बात करने लगे हैं, इनकी करप्शन की बात होने लगी है। जैसे कि ये आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, इनका भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी चेन ये पिज्जा की चलाते हैं अमेरिका में, और यहाँ पे रसीदें देने के लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों से भी बात करनी चाहिए और इन लोगों को भी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने चाहिए और पूछना चाहिए कि जी इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया है, आसिम सलीम, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, कि आपने जो है इतनी सारी पिज्जा की फ्रेंचाइज जो बना ली है पापा जॉन्स पिज्जा की, वो कहाँ से आई आपके पास। पाकिस्तान में जी कहा जाता है हमारी स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में औरतें रेप करवाती हैं। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन चाहिए होता है उन्हें किसी यूरोपियन कंट्री का, कहीं बाहर का। ये कहते हैं जी जर्नलिस्ट अपने आप को खुद टॉर्चर करवाते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट को भी इमिग्रेशन चाहिए होती है। पकौल हमारी स्टेट की, जो जो अब इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है हमारी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ने, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। फिर कहते हैं कि जी माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज अपने ऊपर खुद ब्लास्फेमी के चार्जेस लगवाती हैं, क्योंकि उनको भी इमिग्रेशन चाहिए होता है। और इसके अलावा एक्टिविस्ट जो है,
एक्टिविस्ट भी अपने आप को खुद ही डिसअपियर करवा देते हैं, यानी गायब करवा देते हैं, क्योंकि उनको भी इमिग्रेशन ही चाहिए होता है। लेकिन पूछना ये था कि इनमें से कोई भी हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो औरतें जिनको आप कह रहे हैं, जैसे मुख्तारा माई का केस था, गैंगरेप का, मुख्तारा माई तो इधर ही मौजूद है, या फिर माइनॉरिटीज के लोगों, वो भी सब लोग इधर ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से भागता कौन है? पाकिस्तान से इमिग्रेशन लेके कौन भागता है? अगर ये लिस्ट सामने आ जाए तो पता लगेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिटायर्ड जनरल्स और फौजी हैं जो जाके दूसरे मुल्कों में बस जाते हैं, जो यहाँ से भाग जाते हैं करप्शन करके, और फिर वहां जाके बड़े बड़े आइलैंड और गाड़ियां और प्राइवेट जेट और ये वो सब कुछ खरीद रहे होते हैं, और जब उनसे पूछा जाए, या फ्रेंचाइज बना रहे होते हैं पिज्जाज की, अगर उनसे पूछा जाए कि जी ये पैसा कहाँ से आया है, तो फिर कह देते हैं कि जी ये तो हम नहीं बताएंगे, और अगर आपने पूछा तो जी आपके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, और वो फाइन भरने के बाद आपको 2 साल की कैद भी हो सकती है, लेकिन बताने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन हाँ, आम आदमी को ये एलिगेशन लगा दी जाती, जबकि हमारे ना तो कोई खास जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बाहर चले गए हो, ना एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो बाहर चले गए हो, और ना ही हमारे यहाँ के माइनॉरिटीज या औरतें जिनके ऊपर आप जुल्म करते हैं, ना ही वो हमें कहीं बाहर जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन खैर, ये इनका अपना ही एक तरीका है, इन लोगों का अपना ही एक बनाया हुआ ड्रामा और नौटंकी है, जिसको ये बात करते रहते हैं, जिसके ऊपर। खैर, हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल मौलाना साहब, मौलाना साहब से देखते हैं कि मौलाना साहब आखिर बता क्या रहे हैं। बावला कुत्ता यानी पागल कुत्ता, मेड डॉग। तो अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अव्वल 11 बार ये दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अला नूह नबीका सलामुन अला नूह फिल आलमीन इन्ना कदालिक नजजिल मुहसिनीन। इसके बाद तीसरा कलेमा, कलेमा तमजीद 11 बार पढ़िए, इसके बाद फिर 11 बार वही दुरूद शरीफ पढ़िए। ये सब पढ़कर चिकनी मिट्टी को जो पानी से गूंद कर रखा है उस पर दम कर लीजिए और इसकी 7 गोलियां बनाइए और वो गोलियां 7 नाबालिग बच्चों को दीजिए। फिर हर बच्चे से एक एक गोली लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दीजिए। ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए, इंशा अल्लाह ताला मरीज सेहतयाब हो जाएगा। तीसरे दिन एक ऐसे नमाजी आदमी से जो सिगरेट बीड़ी वगैरह का आदि ना हो, मैं सिगरेट वगैरह ना पीता हूं और ना ही तंबाकू, ना तंबाकू का तंबाकू वाला पान खाता हो, 1.25 पाव सोजी का हलवा उससे तैयार करवाइए। हलवा तैयार करने से कबल उसको वुजू करवा लीजिए और उस हलवे का सवाब हजरत सैयदना उवैस करानी अले रहमतुल्लाह अल गनी की रूह मुबारक को ईसाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज बावले कुत्ते के काटे के असरात से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला अअलम व रसूलहू अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला सल्लल्लाहु ताला। जी, तो आपने देखा कि अगर स्पेशली मुस्लिम से अगर आपको कोई बावला कुत्ता, कोई पागल कुत्ता, कोई मैड डॉग जो वो कह रहे थे काट ले, तो आपने क्या करना है और कैसे अपने आप को बचाना है। लेकिन खैर, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक वीडियो और है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी भाषण के बाद। वो ये कि जी डिफेंस मिनिस्टर जो है अमेरिका के, उन्होंने कॉल किया किसको भला, आर्मी चीफ को, इसलिए कि आपको पता है पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, तो इसलिए कोई भी अगर फोन करता है तो वो जाके जो है वो आर्मी चीफ को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को या डिफेंस मिनिस्टर को नहीं करते। तो सुनने में ये आया कि जी जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने फोन कॉल किया और आर्मी चीफ से बात की, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी परवेज खतक, वो फोन का रिसीवर पकड़ के खड़े रहे।
कि जी सर आप बात कीजिए, मैंने फोन का रिसीवर पकड़ा हुआ है। तो बिल्कुल उनकी तो कोई, आप जानते हैं कि कोई हैसियत नहीं है, और अगर है तो वो हमें बता दें। वैसे हमें तो कुछ और ही नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से, जैसे आप जानते ही हैं कि इन्होंने जो है अपनी ये हालत कर ली है कि हर चीज, चाहे वो कोई अम्बेसडर हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो उस दुनिया की, पूरी दुनिया में से कहीं का भी कोई मिनिस्टर हो या एम्बेसडर हो या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई भी होता है, वो जाके आर्मी चीफ से ही बात करता है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में अभी भी आर्मी ही जो है वो मुल्क को चला रही है। और इमरान खान साहब सिर्फ एक पपेट की हैसियत रखते हैं, वरना कोई उनको भी फोन कर लेता बेचारे को, कभी खाली बैठे मक्खियां मारते रहते। इसीलिए पाकिस्तान में आजकल मक्खियां बहुत कम हो गई हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हमने चाइनीज को दे दी है और चाइनीज उसे पका के खा गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुआ यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास तो कोई काम है नहीं, जितने भी इंटरनेशनली कोई कॉल आती है या बात करने के लिए वो कहते हैं तो वो आर्मी चीफ से बात कर लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे मक्खियां मार रहे होते हैं। बिल्कुल आगे हम एक वीडियो और देखते हैं, ये भी देखें मौलाना साहब बता क्या रहे हैं। उस रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ, हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनका एक नाव था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुंच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, पट्टी को, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई मेरी वजह से, मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। जी तो आपने देखा कि वो हजरत जो थे वो हजरत ही थे, उन्होंने बताया कि वो कुत्ता वो खुद ही था। मुझे नहीं पता कि मुझे इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहिए, लेकिन अजीब अजीब लोग हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। लेकिन साथ के साथ हम आपको ये भी बताते चले कि एक वीडियो और भी है। काफी लोगों ने कमेंट डाले, किसी ने कहा गर्दन उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा। आवाज ऐसी हो यार कि मदीने तक पहुंच जाए, एक आवाज में गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा। ये देखिए, ये ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, और ये ड्रामा जो है वो गागा के बताया जा रहा है, और लोगों को बता रहे हैं कि जी हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे। और इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है, और प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई हैंडल करने के लिए नहीं है, इनको कोई पकड़ता नहीं, इनके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाता, इनको कोई सजा नहीं देता, इसलिए ये इस तरह का जहर लोगों के दिमागों में डालते चले जा रहे हैं। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।